फ्री में सब्सक्राइब कीजिए बिहार यूट्यूब चैनल को और दबाइए साथ में बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यूज वीडियो देखने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके हर टूटल बिहार टेक्निकल और आज की स्टूडियो में। आज के सुनवा को बताने वाला हूँ कि योनो एस बी एप्लीकेशन से लोन के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा और इसमें कितना आपको इंटरेस्टेड देना होगा, इस सारी डिटेल इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर विजिट किया था चैनल सब्सक्राइब करके एक छोटा सा घंटे उसको दबा दीजिएगा ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आपको योनो एस एप्लीकेशन को ओपन करना है। चलिए हम योनो एस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जैसे आप योनो एस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा फिर आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको इसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको एम पिन या यूजर आई डी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पे एम पिन डाल के इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन कर लीजिएगा तो फिर आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे योनो एस एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो चुका है। लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको थ्री लाइनिंग है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे मेनू मिल जाएगा, इसमें आपको एक मिलेगा लोन, तो आपको लोन पर क्लिक करना है। जैसे लोन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। फिर इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ से आप होम लोन ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, एक्सप्रेस क्रेडिट लोन ले सकते हैं। तो हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के बारे में, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ के बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना है कि इसमें आप कौन कितना लोन ले सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा और इसमें इंटरेस्ट रेट आपको कितना देना होगा। यह सारी जानकारी के लिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है नो मोर, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी आपके सामने खुल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर शुड बी परमानेंट एम्प्लॉय विथ मिनिमम वन ईयर ऑफ सर्विस विथ एनी ऑफ द फ्लोइंग एम्प्लॉयर्स, यानी कि आपको एक साल कम से कम सर्विस करते हुए होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्विकी गवर्नमेंट, सेंट्रल पी एस यू एस, प्रॉफिट मार्केटिंग स्टेट, माने यानी कि इस सर्विस में से आपको एक साल होना चाहिए तभी आप इसमें से लोन ले सकते हैं। इसके लिए कस्टमर शुड कंप्लीट विथ बैंक्स केवाईसी नॉर्मल, यानी कि आपका केवाईसी होना जरूरी है। इसके नीचे भी लिखा हुआ है कि कस्टमर शुड हैव मिनिमम नेट मंथली इनकम ऑफ 5000, यानी कि आपके मंथली इनकम कम से कम 5000 होना चाहिए तभी आप इसमें लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे फीचर इसको देखने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो लिखा हुआ है कि आप 5 साल के लिए 15 लाख तक लोन ले सकते हैं। इस पर आपको इंटरेस्ट जो देना होगा एडिशनल आपको 0.5% देना होगा 10 लाख से अधिक लोन पर। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कोई मार्जिन नहीं है, कोई सिक्योरिटी चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी गारंटी रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं है और इसमें आपको सेकेंड लोन आफ्टर 1 ईयर्स, यानी कि आपको सेकंड जो लोन मिलेगा आपको एक साल कम से कम आपको एक साल पुराना होने पर ही मिलेगा। इसकी फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिखा हो डाउनलोड, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को देखने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है आपको इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत है, यानी कि इसमें आपको पैन कार्ड होना जरूरी है और पैन कार्ड के साथ में आपके आधार कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या वोटर आई डी कार्ड होना चाहिए या नरेगा कार्ड होना चाहिए और इसके साथ आपको 3 मंथ सैलरी स्लिप होना चाहिए, यानी कि आप जहाँ पर सर्विस करते हैं वहाँ से आपको जो सैलरी मिलती है तो उसकी सैलरी स्लिप आपको 3 मंथ की कम से कम होना जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चलिए इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट देना होगा आपको 11.65% देना होगा, मैक्सिमम जो आपको मिलेगा इसमें आपको 14.65% देना होगा। ओवरड्राफ्ट में आपको देना होगा, ड्राफ्ट में आप देख सकते हैं कि मिनिमम आपको देना होगा 12.15% देना होगा, मैक्सिमम जो होगा 15.15% देना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए इसको EMI कैलकुलेटर में करके देखते हैं कि कितना हमें देना होगा। तो मान लीजिए कि आपने 1,50,000 रुपये लोन लेते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपये हम लोग यहाँ से लोन लेते हैं, तो हमें इसको हम जो लोन लेते हैं 5 साल के लिए लेते हैं, यानी कि 60 मंथ के लिए हम लोन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग की फीस आपको यहाँ पे 1500 रुपये लगेगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि EMI जो आपका आएगा 3,027 रुपये 12 पैसे आएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके अप्लाई। आज के लिए इतना ही, आप सभी को वीडियो कैसा लगे कॉमेंट बॉक्स जो बताइएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।